हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और इस कंप्लीट वीडियो में बात करते हैं कैसे पाइथन डायनेमिक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि पाइथन इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं डेडिकेटेड भाई आपको बताऊँगा कैसे पाइथन डायनेमिक, ठीक है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि कई बार लोगों को पता तो होता है कि पाइथन डायनेमिक है, बट इसका मतलब क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, वो हमें नहीं पता होता। सबसे पहले बात करते हैं कैसे पाइथन डायनेमिक है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स के बिहाफ पे, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि वेरिएबल्स से डायनेमिक कैसे बनते हैं। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वेरिएबल बनाते वक्त, जैसे हमने लिखा a=10, a=10 लिखते वक्त हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ए इंटीजर है, राइट। तो ये हमारा डायनेमिक नेचर है। मतलब ये है कि अगर आपने a=10 लिखा, अगर इसका टाइप चेक करते हो आप, तो आपने देखा इंटीजर है, राइट। इसके बाद अगर आप इसी चीज़ आपने लाइक सपोज दैट आपने नेम लिख लिया कोई एक्स वाई जेड, तो ये तुरंत ए आपका चेंज हो गया किसमें, आपका ए किसमें चेंज हो गया, स्ट्रिंग में। तो ये इसका डायनेमिक नेचर है, मतलब आप जैसा लास्ट टाइम वेरिएबल स्टोर करोगे वो उस टाइप का बन जाएगा। एक और चीज़ बेनिफिट इसके साथ क्या होती है डायनेमिक नेचर होने की वजह से, कि ये आपका लाइक कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कोई फंक्शन मान लो बना रहे हो, ठीक है, आपने कोई फंक्शन बनाया जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसको आप लाइक कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो आप। जैसे आप बस जहाँ आपको फंक्शन यूज़ करना हो उससे पहले आप उसको बना लो। इसके अलावा जैसे आप इम्पोर्ट करते हो, कई बार क्या कहते हैं जैसे लाइक, अब मैंने अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक अपना आधा प्रोग्राम कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे भी कोई वो यूज़ कर सकता हूँ। सो इससे कई सारे बेनिफिट होते हैं, जब हम थोड़ी देर में बात करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर के डिफरेंस के बारे में, सो मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा। प्लस मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये डायनेमिक नेचर क्यों होता है। बट अगेन ये एक डायनेमिक नेचर है कि आप पाइथन में, जैसे कि आपने इंटीजर टाइप कर लिया, आप उसमें उसको चेंज करके किसी भी और टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, और जब भी आप उसे प्रिंट करोगे लास्ट टाइम जो डेटा स्टोर हुआ होगा वो आपका शो करेगा। सो ये कम्प्लीटली डायनेमिक है। प्लस आपको जैसे सी में मैंडेटरी होता है कि आपको टॉप पे सारे लाइक इम्पोर्ट करने हैं सब, सी या जावा में भी होता है ऐसा कि आप टॉप पे सारे इम्पोर्ट करते हो, उसके बाद आप वेरिएबल्स के नेम बनाओ। सो पाइथन में क्या होता है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको जहाँ यूज़ करना है आप वहाँ पे लिखो, उसके टॉप टॉप पे उसको इम्पोर्ट करो और अपना काम स्टार्ट करो। या फिर ऐसे फंक्शन कॉल कराना है तो फंक्शन जहाँ पे आपको कॉल कराना है उसके टॉप पे आप फंक्शन का फंक्शन बनाओ, उसको कॉल करा सकते हो। सो कम्प्लीटली डायनेमिक है। प्लस इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इंटरप्रेटर यूज़ करने के, वो भी मैं आपको बताऊँगा थ्रू आउट द कोर्स कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कई बार आपका कोड गलत होता है, बट जब आप उसे रन कराते हो तो पता नहीं चलता, और वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन कर जाता है। ये वो सक्सेसफुली रन करेगा जब तक कोई कंडीशन वो सेटिस्फाई होना फॉल्स नहीं होती। ये कंडीशंस होती हैं, कई सारी चीज़ें, इंटरप्रेटर होने का बेनिफिट होता है इसका, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। बट बेसिकली वेरिएबल्स के बिहाफ पे आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी की बात करूँ तो आप लाइब्रेरी को जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो उससे पहले इम्पोर्ट करा लो। सो डायनेमिक नेचर होने का मतलब ये होता है कि आप पहली चीज़ तो एक वेरिएबल में दूसरे टाइप का वेरिएबल स्टोर कर सको, दूसरी चीज़ कोई मैंडेटरी नहीं हो कि आप टॉप पे लुको, कहीं भी आपको यूज़ करना वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हो। इवन यहाँ पे कोई जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हो फिर डिफाइन करते हो। डिक्लेयर डिफाइन में अंतर बताता हूँ। डिक्लेयर इज़ लाइक समथिंग कि बताना, अगर मैं सी के हिसाब से बताऊँ तो डिक्लेयर का मतलब ये होता है int a और हमने सेमी कोलन लगा दिया। ये मैं सी का डेटा ही बता रहा हूँ, पाइथन का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। डिफाइन करने का मतलब a=10 लिखना, ठीक है। सो ये हो गया डिफाइन करने का। तो पाइथन में डिक्लेरेशन का आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने क्या किया, सिर्फ डिफाइन किया, ठीक है। सो ये डिक्लेयर एंड डिफाइन एक साथ हो गया, और इसीलिए यहाँ पे डायनेमिक नेचर फॉलो होता है। सो अगेन लाइब्रेरीज, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे डायनेमिक नेचर फॉलो होता है। तो ये मतलब था कंप्लीट पाइथन का डायनेमिक नेचर का। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।